हेलो माय डियर एरीज, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। यस, जो भी यहाँ पे एरीज देख रहे हैं सभी लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपके आगे आने वाले पार्टनर है जिससे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, क्या फिज़िकल अपीयरेंस किस तरह का हो सकता है, कब कैसे कहाँ मिलोगे एंड बहुत सारी बातें हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू कर देती हूँ ताकि मैं बता भी सकूँ और साथ साथ आपके कार्ड्स भी मैं लेते चली जाऊँ। तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनिस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर फेक एंड फ्रॉड से थोड़ा अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स दे रही हूँ जिससे ये पता चलेगा कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है एरीज। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनडिंग पे आप लोग जब भी आप लोग पर्सनडिंग लेते हैं तो सेशन जो है वो बहुत डिटेल होता है, ठीक है, तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। और चैनल पे और भी मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग डाले हैं मैरिज के, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो पार्टनर होंगे, ठीक है, उनका जो है जोडियक साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकता है, ठीक है, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है। देखिए आपके जो पर्सन है ये मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। और साथ साथ ये एनर्जी किस तरह का एनर्जी है, तो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिज़िकल स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर बहुत होगा और स्टैमिना बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है फ्रीडम लवर होंगे, इनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, ठीक है, अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीना ये चीज़ इनको पसंद होगा, कोई इनके लाइफ पे ताला लगाए या रोक टोक लगाए ये चीज़ इनको ज़रा भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एरीस, आपके जो पार्टनर है उनका जोडियक साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकता है, या खुद एरीस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, फायर साइन के हो सकते हैं, नहीं तो एयर साइन के हो सकते हैं। बात यहाँ पे ये है, और आप जान भी सकते हो फायर एंड एयर मिलके क्या कुछ कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका होगा कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, धमाल मचा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन, प्यार खड़ा करना, कुछ भी कर सकते हो आप दोनों मिलकर। तो ऐसे पर्सन से शादी हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बहुत है, स्टैमिना भी बहुत है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक भी होंगे, इनको देख कर लोग सीखते होंगे, इनको देख कर लोग जानते होंगे कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है। देन यहाँ पे आपके पर्सन जो है ये मुझे रिबेलियस दिखाई दे रहा है, रिबेल वाली एनर्जी है, ठीक है, किसी के साथ बुरा ना करना, ना होते हुए देखना, ये वाला इनका दिखाई दे रहा है सीन। तो यहाँ पे अगर देखी जाए कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत होगी, ठीक है, कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन या सेंसुअल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में हर तरह की इंटीमेसी हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही है, इमोशनल इंटीमेसी की भी बात हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ हो सकती है, जैसे आपको भी घूमना फिरना, पार्टी पब ये सब करना बहुत पसंद हो सकता है, डिस्को वगैरह, और हो सकता है इनको भी बहुत पसंद हो, अगर नहीं भी पसंद हो तो फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि आप दोनों बहुत मस्ती करोगे, जहाँ जाओगे एकदम धमाल मचा के रख दोगे, ठीक है, जैसे हूट मचा के रख दोगे, ठीक है, वो चीज़ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रात भर मस्ती करना, एंजॉय करना, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना इमोशनली, ठीक है, समय रहते हुए जब भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेंगे, सेफ रखेंगे। वैसे आपके पर्सन मुझे एक साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सेफ़ फील कराएंगे, और आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी होगी, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो या किसी भी तरह का स्टेबिलिटी हो, होगी ज़रूर, लव होगा, जॉय होगा, इमोशनल सपोर्ट होगा, ठीक है, विजन होंगे, आइडियाज़ होंगे, वो सब पे आप लोग काम करोगे, फ्यूचर प्लान्स होंगे, ये कोई न्यू पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद रिस्पेक्ट होगा, स्टेटस होगा, वो सारी चीज़ें जो इनके पास होगी वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, और ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे, आपको सुना करेंगे, समझा करेंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप दोनों के जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा मेंटल स्ट्रेंथ। ऐसा है ना
यस आपकी शादी हो रही है, लेकिन इंसान तो अलग है, मतलब सोच अलग है, आपसे अलग है, मतलब ये कह रही हूँ। तो बात यहाँ पे ये होता है ना कि जब दो लोग मिल जाते हैं और दो लोग मिलकर किसी एक चीज़ को चला रहे हैं, तो थोड़ी मतलब होता है कि अगर दोनों अपोजिट अपोजिट हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आप दोनों का जो है अपोजिट होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे की डिसएग्री को रिस्पेक्ट करोगे, प्यार करोगे, समझोगे, सपोर्ट करोगे, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, वो मैं आपको प्रोफेशन देख कर बता दूंगी। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका एजुकेशन वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ अगर कर रहे हो तो उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, मतलब आपका करियर लाइफ और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, करियर लाइफ में आप और भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन के अंदर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी नॉलेज है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना इनको आता हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है आपके पार्टनर, मतलब इनको जैसे कि माँ सरस्वती से आशीर्वाद मिला हुआ है, ठीक है, गॉडेस ऑफ लर्निंग जो है उनसे आशीर्वाद मिला हुआ है। क्यों ऐसे थोड़ी बैठे बैठे मिला है, जैसे कि इन्होंने मेहनत किया इसलिए मिला है। तो आपके पर्सन मुझे बहुत मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन वो एनर्जी है, जैसे आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे भी और सडन चेंजेस लेकर भी आएंगे, आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट भी लेकर आएंगे। देखिए सडन चेंज में टेंशन हो जाता होगा कि किस तरह का सडन चेंजेस होगा, सडन चेंजेस में एनलाइटनमेंट होगा, ठीक है, अवेकनिंग होगी आपकी खुद की, ठीक है, और लव प्यार ये सब भी आपको पता चलेगा क्या होता है। तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग डायरेक्शन में रहोगे एक दूसरे का, मतलब सब कुछ पता हुआ रहेगा कि हाँ ये करना है वो करना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से लेकर आप अवेयर रहोगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो पर्सन है, आप दोनों का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एक्सप्रेस करने का, बताने का, रहने का, सहने का, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार है। हो सकता है कि कल्चर का डिफरेंस हो, दूसरी कंट्री के हो, दूसरे स्टेट के हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन हमेशा ओपन रहेंगे आपको आगे बढ़ते हुए देखने के लिए, और ओपननेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के हॉबीज़ को, एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डिफरेंसेस हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें, बातें जो है डेवलप होंगी करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी बातें करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप बताओगे तो वो सीखेंगे, वो बताएंगे तो आप सीखोगे, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड भी रहोगे एक दूसरे में और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी रहेगा। आपके पर्सन जो है ना एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम्स आई तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है वो बहुत अच्छे से आता होगा। आपके पर्सन ट्रस्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की तो वो आपको स्पेस भी देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर होगा, किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए, फिज़िकल स्ट्रेंथ फिर से आया है, तो अगर आपका कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। फाइटिंग एबिलिटीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटीज़ हो सकती है, जैसे कि रिबेलियस मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी बुरी चीज़ देख नहीं पाते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है मार्शल आर्ट वगैरह हो सकता है इनको आता हो, तो आपके जो पर्सन है इनका एटीट्यूड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यार, ऐसे तो सबसे अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यस डेफिनेटली आपकी शादी जिससे हो रही है वो एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है, जिसके साथ आप अपने लाइफ के बड़े बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट को देखेंगे, इंजॉय करेंगे, रोमांटिक होगा आपका मैरिड लाइफ, और ये पर्सन कोई बिजनेस करते हो या आप दोनों मिलके कोई बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, इन लॉज के साथ ऐसा हो सकता है कि ना रहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का नेचर कंपैशनेट नेचर होगा, ठीक है। आपके पर्सन गॉड में बहुत बिलीव करते होंगे, एज वेल एज ह्यूमैनिटी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को बताना, प्रोटेक्ट करना, वो सब बहुत होगा, चैरिटी वर्क भी करते होंगे, और आपके पर्सन हमेशा कुछ भी हो तो भगवान का नाम ज़रूर लेते होंगे। वो चीज़ इस पर्सन का यहाँ दिखाई दे रहा है। नेम इनिशियल की बात की जाए, क्या है नेम इनिशियल देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज एल, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप सभी लोग एच, ताकि आपसे मैं कनेक्ट हो जाऊँ और आप सभी के लिए मैसेज लूँ। वाई, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज के, जो भी यहाँ पावर है वो एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट। ए ओ देन यहाँ पे है आपका बी, फोर लास्ट और देखेंगे। जे ओके सी वी
एंड टी, यहाँ पे जो भी पावर है वो बहुत एक्टिव है, इसलिए खुद ही कार्ड्स आने लगे जैसे मैंने बोला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्टेट। पर्सनली ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे जनरल इंस्टा आईडी पहुँचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। महाराष्ट्र दुनिया के किसी भी कोने से है तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, हरियाणा, थ्री लास्ट, मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, ठीक है, तो ये सारे जो है स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन के आने की टाइमिंग क्या है, ठीक है, कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, देख लेते हैं। कब तक आएंगे गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी यहाँ पे पावर है, यूनिवर्सल पावर, वाइट पावर, ट्रू पावर, प्योर पावर, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सितंबर के मंथ में से मिले हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दिसंबर के महीने में ये पर्सन आपको मिलेंगे, इनसे शादी होगी आपकी। सितंबर या दिसंबर में कोई मिले हैं, शादी वादी फिक्स हुई है या दिसंबर में हो सकती है। मार्च के टाइम में आपकी शादी होगी, मार्च या अप्रैल समर के टाइम में शादी हो सकती है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये टाइमिंग है आपके लिए, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कहाँ मिलने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ये पर्सन आपको मिल सकते हैं पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, या फिर वर्क प्लेस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ट्रेन स्टेशन भी हो सकता है, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, होटल हो गया, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, फ्रेंड सर्कल में, चर्च भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है, आउट ऑफ स्टेशन हो गया, बेकरी हो गया, कैफ़े हो गया, या फिर नियर होम करके अगल बगल भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ मिलेंगे, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे है स्कूल, हो सकता है आप स्कूल में पढ़ाते हो, फॉरेन में हो, कहीं भी हो सकते हो, ठीक है, लाइब्रेरी पढ़ने जाते हो वहाँ पे मिल सकते हो, ठीक है, बुक स्टोर, पोस्ट ऑफिस हो सकता है काम करते हो वहाँ पे, ठीक है, फार्मेसी हो सकता है आप दवाई लेने जाओ वो भी लेने जाए, किसी का चेकअप कराना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में मिल सकते हो, पुलिस स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, या फिर बस स्टॉप भी हो सकता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारे प्लेसेस हैं। एक और प्लेस मैं आपको बता देती हूँ कार्ड लेकर, एक और कार्ड लेके मैं बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लगता है KFC, अम्यूजमेंट पार्क, गैस स्टेशन, वर्क प्लेस, बस स्टॉप, जू, पार्क, या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर किसी क्लासेस में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलने की तो बात हो गई, अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन हैं इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। सो प्रोफेशन देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्रोफेशन की अगर बात की जाए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज क्या होगा प्रोफेशन दिस वन। बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, स्टेट PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रिस्ट, पारमेडिक। देन यहाँ पे आपके पर्सन का प्रोफेशन है दिस वन, वायलिनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लेक्चरर, आर्किटेक्ट, हेयर ड्रेसर, जर्नलिस्ट, फिजिशियन, एडवाइसर, एक्सप्लोरर, स्काउट, सोल्डर, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के क्या हुए, प्रोफेशन हुए। अब मैं आपको बताऊंगी लुक्स, लुक्स कैसा है, नेचर कैसा है, सब पता चल जाएगा आपको, पॉजिटिव रहिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके पर्सन का दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बुजे आईब्रोज, बहुत घने आईब्रोज हैं, ग्रीन आईज है, पेस्ट स्किन है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, हेजल आईज है, ब्लैक हेयर कलर है, केयरिंग है, पोलाइट है, इमोशनल है, डार्क आईज है, एलिगेंट है, एंड आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दिए इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ कंट्री, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कंट्री में आपका पोलैंड, देन आपके पर्सन UAE के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, स्पेन, उसके बाद चांसेस है कि ये पर्सन आपके होंगे क्यूबैत, देन आपके जो पर्सन है मुझे तजाकिस्तान के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद है यहाँ पे इंडिया, देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, एंड लास्ट वन इज कनाडा, ठीक है। तो ये सारे जो है कंट्रीज जहाँ से आपके पर्सन होंगे। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है,
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल anastaidy के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल anastaidy का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।